Hi guys, welcome to the YouTube channel Paper Traders and welcome to the another learning video of Trading View. So आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं. पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एनोटेशन टूल्स कैसे यूज़ करते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स कैसे यूज़ करते हैं. इसमें मेनली होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस, डेट रेंज, प्राइस रेंज एंड फिक्स्ड रेंज. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग पोजीशंस. तो बहुत सारे ट्रेडर्स के ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग चार्ट्स पे आपने एक पोजीशन का फोटो देखा होगा या वो जो भी वीडियो उसमें आपने देखा होगा कि एक प्रेडिक्शन का जब चार्ट बनता है, यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है, यहाँ से उनके लॉन्ग करना है, यहाँ टारगेट बुक करना है, तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे वो कैसे मार्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर जैसे कि लेट्स एग्जांपल, ये एक रेंज है, ओके, लेट्स एग्जांपल ये एक रेंज है, मार्केट इस रेंज पे चल रहा है. तो हम लोग ट्रेडर्स जब प्लान करते हैं तो इसी हिसाब से प्लान करते हैं. ये एक रेंज है, यहाँ से मार्केट इसी रेंज पे चल रहा है. तो मार्केट तो हमेशा आइडियल होता है, तो यहाँ से दो तरीके की पोजीशन बनती है. या तो यहाँ से इसके ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है अपने जो भी स्टॉप लॉस है उसके साथ में, और ये अपना आप रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअली आता क्या है, इसमें डिटेल्स क्या दिया होता है. तो पहला जो दिया होता है ओपन पोजीशन आपका कितने क्वांटिटी पे ओपन पोजीशन है, यहाँ पर दिया होता है. रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने जो लिया हुआ है वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं. स्टॉप लॉस आपका कितने पॉइंट्स का है, कितने अमाउंट का है यहाँ पर दिखा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड टारगेट आपका कितने पॉइंट्स का है, टारगेट कितने पॉइंट्स का है और कितने अमाउंट का है, वो भी यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है. तो इस तरह से चार्ट पे ड्रॉ करते हैं लॉन्ग पोजीशंस. सेम इसी तरह शॉर्ट पोजीशंस भी ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं. शॉर्ट पोजीशंस, अब अगर इस लाइन के ब्रेकआउट पे अगर कोई शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाना चाहता है तो इस तरह से बनेगा वो. यहाँ पर मैंने क्या यहाँ पर एसएल डाला, वो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ले लेगा. ओके, तो यहाँ भी देखने की कोशिश करते हैं. ये आपका एंट्री लाइन हो गया, यहाँ पर से आप एंट्री करते हैं यहाँ पर. ये आपका स्टॉप लॉस हो गया एंड ये आपका टारगेट हो गया यहाँ पर. सिंपल सा ये शॉर्ट पोजीशन ऐसे मार्क होता है. उसके बाद इस टूल्स में थर्ड आता है डेट रेंज. डेट रेंज में हम कोई भी डेट अगर सेलेक्ट करते हैं वहाँ से, तो वहाँ से हमें उस पर्टिकुलर डेट का हमें रेंज बताता है वो. यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज अगर मुझे जानना है तो ये मुझे रेंज बता देगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 120 कैंडल्स हैं, 1 day 6 hours, वॉल्यूम यहाँ पर लिख के आ जाता है यहाँ पर. तो ये डेट रेंज का ऐसे यूज़ करते हैं यहाँ पर. उसके बाद होता है प्राइस रेंज. प्राइस रेंज में आपको मेजरमेंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट या यहाँ तक का मोमेंट कितना बड़ा मोमेंट है. तो आप सिंपल सा सब क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्राइस मोमेंट पर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोमेंट है टोटल है 560 पॉइंट्स का. ओके, और ये 1.86% है. ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ. जैसे कि आपको मेजरमेंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये टोटल है, सॉरी नीचे की तरफ से मैंने कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल 600 पॉइंट्स का. ओके, प्राइस रेंज यहाँ से निकल जाता है. उसके बाद डेट एंड प्राइस आप दोनों एक साथ निकाल सकते हैं आप यहाँ पर. मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ से पहले हम चले गए एक डेट रेंज तक, उसके बाद आपको प्राइस पे जितना रेंज चाहिए
ये पता चल जाता है। ये जैसे अब जो जो सबसे फर्स्ट में जो लिखा है वो प्राइस रेंज है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 701 पॉइंट्स, टोटल 138 बार्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्चुअली बार्स बार्स मतलब जो होता है वो कैंडल होता है, और ये कैंडल स्टार्ट करता है अपने जहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उसके अगले वाले से। जैसे कि हमने हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है तो ये स्टार्ट करता है काउंटिंग यहाँ से लेके लास्ट ये वाले कैंडल तक, ये लेगा पूरा ये वाले कैंडल तक। तो टोटल डे दिखा दे रहे हैं, 1 day 10 hours 30 minutes एंड वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है। ये टोटल डेट इन रेंज दोनों दिखाता है ये। इसके बाद है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। बहुत लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जो लोग शार्प ट्रेडिंग करते हैं या डेटा बेस ट्रेडिंग करते हैं वो लोग को यूज़ करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए, जिन्हें परफेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री चाहिए होता है। तो देख लेते हैं ये यूज़ कैसे होता है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो मेरे पास में ड्रॉ होकर मिल गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज में जो एवरेज एवरेज प्राइस है वो ये रेड वाला प्राइस है, वो आप देख सकते हैं 30342। ओके, इस प्राइस को पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। ये वाला जो प्राइस है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। तो पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे अगर ये ट्रेड करता है यहाँ पर, तो काफ़ी सारे एक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब भी प्राइस बार बार यहाँ पर रिटर्न आता है। तो जैसे कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर जब आया है तो ये काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पर रैली दिया है। फिर यहाँ पर जब वापस यहाँ पर प्राइस आया तो फिर इसने डाउन साइड एक अच्छी रैली दी यहाँ पर, फिर वापस प्राइस इसी प्राइस के आसपास में कंसोलिडेट हुआ है, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की यहाँ पर। तो वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसे यूज़ होता है, आप इसको किसी भी रेंज पर आप यूज़ कर सकते हैं, या इंट्राडे पे, स्विंग पे, किसी भी ट्रेडिंग के लिए। तो ये था गाइस मेजरमेंट एंड फोरकास्टिंग टूल्स के बारे में डिटेल्स। आगे और भी ट्रेडिंग व्यू में अच्छे वीडियोस जानने के लिए या समझने के लिए हमें कमेंट्स करें आप, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।